Good morning to all. I am from TSN Day School and today I am going to explain class 10 science lesson number 10 light reflection and refraction. It is the ninth part of this chapter. In my previous video I will explain to you this part and I will explain the image created by the convex lenses और हमने इसके अलावा position of the image, nature of the image, size of the image and the application of the convex lens का discussion किया था. उस topic को हमने अच्छी तरीके से समझा था and today I am going to explain formation of image by a concave lens. तो फर्स्टली बेटे आप ये देखिए कि कॉनकेव लेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं. हमें इस तरीके से फॉर्मेशन करना होगा इसका, इस तरीके से, ओके. और कॉन्वेक्स को हम कैसे शो करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से, ठीक है ना. तो आप बनाते हुए ध्यान रखिएगा, ये जो है ये तो है हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिया है और ये वाला पार्ट हमने किसके लिए लिया है, कॉनकेव लेंस के लिए. तो स्टार्टिंग में यह दिया है एन इंसिडेंस रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस. यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है बेटा. देखिए रेज ऑफ लाइट आया है यहाँ पर इस तरीके से और रेज ऑफ लाइट आने के बाद में क्या हुआ कि ये कॉनकेव मिरर का जो ऑप्टिकल सेंटर का जो मिड वाला पार्ट आता है यानी सेंटर पोजीशन जहाँ पर है वहाँ पे वहाँ से ये जो लाइट है रेज है वो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है और वो किस तरफ चल जाती है, वो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है ना. यहाँ से इधर आया और यहाँ से आने के बाद ये बाहर की तरफ चली जाती है. तो ये किसी पॉइंट के ऊपर हमें मीट होता हुआ दिखाई नहीं देगा. तो हम क्या करेंगे, हम इसके पीछे से ये मानेंगे कि अगर ये रेज ऑफ लाइट कहीं पर मीट होती तो वहाँ पर हम इमेज को बताएंगे कि अगर रेज ऑफ लाइट कहीं पर पीछे लेने के बाद में अगर कहीं पे मिलती तो इमेज का क्रिएशन वहाँ पे होता, ठीक है. तो इसकी स्टडी हमें करनी है. नाउ नेक्स्ट है एज इंसिडेंस रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कम्स आउट ऑफ द लेंस विदाउट एनी डेविएशन. ये बात तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के टाइम पे भी इसकी स्टडी किया था जब हम कॉन्वेक्स लेंस की स्टडी कर रहे थे कि जब रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है तो उसमें किसी भी तरह का विचलन नहीं आता, वो किसी अपने पाथ से वो एज स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक एंड डायमिश इमेज वट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे अगर आप इन नोट्स की स्टडी बहुत सही तरीके से कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे. आपको याद है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की इमेज की पोजिशन बहुत सारी थी और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इनकी स्टडी कर लेंगे तो आप रे डायग्राम बहुत ही ईजिली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या है कॉनकेव लेंस के लिए, वो क्या बता रहा है, वो कॉनकेव लेंस के लिए स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बता दिया है कि भाई कॉनकेव लेंस से जो भी इमेज का क्रिएशन होगा वो कैसे होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और डैमेज होगी साइज के अंदर. लेट अस नाउ ड्रॉ रे डायग्राम. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं. जो कॉन्वेक्स लेंस के टाइम पर हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिए थे वही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर भी लेंगे. ऑप्टिकल सेंटर को ओ से, देन फर्स्ट F1, F2, 2F1 और 2F2, ठीक है. ये आगे हमारे पास में यहाँ पर O, देन F1, देन F2, देन 2F1, देन 2F2, ठीक है. यही सभी पॉइंट्स हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज की क्रिएशंस के टाइम पे भी हम लोगों ने स्टडी किए थे. चलिए लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक. यस फर्स्ट पार्ट है आपके पास में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अगर अनंत
पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहाँ से रेज ऑफ लाइट आती है तो इमेज का क्रिएशन कैसे होगा? तो यहाँ हमने बताया है कि भाई अगर अनंत से आता है तो वो किसके आएगा, इसके पैरेलल आएंगी दोनों लाइंस, ठीक है ना, इसके ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होने के बाद में क्या होगा, ये आगे गए, आगे यहाँ पर लेंस से स्ट्राइक हुआ, होने के बाद में क्या हो जाएगा कि ये रेज ऑफ लाइट तो ऐसे चली जाएंगी बाहर की तरफ, विचलित हो जाएंगी, डेविएशन आ जाएगा इसमें। और क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेंगे कि अगर ये पीछे की तरफ किसी पॉइंट के ऊपर मिलते तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलते हैं वहीं पर हम बताए थे कि यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। तो अगर इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, इमेज कहाँ पर बनेगी, F1 के ऊपर बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल और डैमेज टाइप की बनेगी, ठीक है बेटा। फर्स्ट केस हो गया। नाउ सेकंड केस है हमारे पास में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एनी पोजिशन बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, ओ और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पूरे पोर्शन की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजिशन बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, ओ से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, इन्फिनिटी यानी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है हमारे पास में ना, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ से इस ओ के बीच में ये जो पॉइंट है इस जगह पर, इसके बीच में जितना भी ये जगह है कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कैसी मिलेगी हमें, इमेज कहाँ मिलेगी। फर्स्टली तो इमेज जो है वो बिटवीन ओ एंड F1 के बीच में मिलेगी। अगर ओ और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी इमेज अपने ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलेगी हमें, इमेज मिलेगी बिटवीन ओ एंड F1, और कैसी होगी, इरेक्ट, वर्चुअल और डैमेज। उसने पहले ही बता दिया कि कॉनकेव लेंस के अंदर जो भी हमें इमेज मिलती है वो इसी तरीके से मिलती है, ये मैंने आपको फर्स्टली एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपको दोनों केस के अंदर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस वाले जो 5 to 6 केसेस हैं हमारे पास में उनकी स्टडी अच्छे तरीके से कर लीजिए, और कॉनकेव लेंस के तो कितने हैं, केवल 2 ही हैं, और उसमें भी हमें पता है कि इमेज कैसी मिलेगी, हमें वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और डैमेज मिलेगी, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट जब हमारे पास में यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्या यूज़ है इसके, सॉरी यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस, इट इज़ यूज इन स्पेक्टल्स फॉर करेक्टिंग मायोपिया। ये डिजीज हैं, आगे 11 चैप्टर में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर जो आई से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसके अंदर एक डिजीज़ होती हैं मायोपिया, और उसके करेक्शन के अंदर हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कर लीजिए।